संख्या भी बढ़ रही है, ऐसी स्थिति में न्यायालय के रूप में अपने आप को यूज करना समाज के उन पत्रों को सामने रखना जरूरी है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि संपूर्ण ज्ञान मनुष्य यदि इस धरती पर आया है तो उसका कोई ना कोई धर्म है कि जो उसके पास है, चाहे वह धन से धनी हो, विद्या से धनी हो, कर्तव्य है तो मैं ज्यादा और आगे थैंक यू सर। ऑन बिहाफ ऑफ साई कॉलेज, आई डॉक्टर समन सिद्दीकी, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉलजी, I welcome our guest, Shrimati Rashmi Khandelwal ma'am, who is an advocate from District Court Durg and have 12 years of experience in her field. The way you have put all your efforts on their work, on this work, deserves every bit of appreciation. We are grateful to her for accepting our invitation and becoming a guest of today's program. So, to know more about values, rights, duties, responsibilities, and for, responsibilities for being a responsible citizen, the study of what is right and what is wrong in human behavior, I would like to invite Advocate Shrimati Rashmi Khandelwal ma'am to share her knowledge and put some light on ethics also. Shall we start? Good afternoon, everybody. On a lighter note, I just want to introduce myself first of all. This is, you are in front of Advocate Rashmi Khandelwal, and I want to correct, it is 9 years of regular practice in District Court Durg. Halaki mujhe wakalat padhe hue, I ended it in 2007. Lekin joined maine as a regular advocate 2012 mein kiya hai, District Court Durg ko. And I am also in the process of registering myself in High Court, Chhattisgarh. Aaj ka jo topic hai, it is related to Constitution, who has provided us the rights, the fundamental duties. Actually,
जिस तरह से हमारी फैमिली में हमारे पेरेंट्स होते हैं, दे प्रोटेक्ट अवर सेल्फ, दे व्हाट दे डू, हमारी हर अच्छे बुरे काम पर उनकी नजर होती है, उसको रेक्टिफाई करते हैं. पर ये एक इतनी बड़ी कंट्री जिसका कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड में सबसे लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसी लोकतांत्रिक कंट्री जहां इतनी डाइवर्सिटी है, उसको एक साथ गार्जियनशिप देने के लिए जिस बुक को फॉर्म किया गया, जिस कोड ऑफ कंडक्ट को फॉर्म किया गया, जिस रूल्स और रेगुलेशन को पूरी कंट्री फॉलो करती है, उसको नाम दिया कॉन्स्टिट्यूशन का. ये कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग आर्टिकल्स, अलग अलग शेड्यूल्स इसमें डिवाइडेड है ताकि हम इजीली उसको समझ सकें. नॉट गोइंग टू टेक्निकल टर्म्स ऑफ इट व्हेन आई एम इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स हु शुड नो देयर राइट्स एंड ड्यूटीज, देयर वैल्यूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मुझे उतनी ही सरल भाषा में आपसे बात करनी है कि मेरी बातें आप तक पहुंचे, आपका माइंड उसे अब्सॉर्ब करें और फिर आप उसको अपनी लाइफ में इनकल्केट करें, उसको इम्बाइब कर सकें. तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ राइट्स की, क्योंकि वो इजीली हमें समझ में आ जाती है, हमारा ये अधिकार है, ये हर किसी को समझ में आता है. तो जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो हमें राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम. राइट टू इक्वलिटी मीन्स समानता का अधिकार, हमें समान अवसर है इस देश में किसी कॉम्पिटिशन को फाइट करने के, हमें समान अधिकार है इस कंट्री में कहीं पे भी रहने के. इस तरह के बहुत सारे अधिकार हमें मिले हुए हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारे देश में विदाउट पार्शलिंग इन सेक्स, रेसेस, रिलीजन, किसी चीज पे भी बायस होके हमारे साथ पार्शलिटी नहीं की जा सकती है. अगर ऐसा होता है तो उसके अगेंस्ट रेमेडीज भी दी हुई हैं. सेकेंडली है राइट टू फ्रीडम, हमें किन किन चीजों को करने की स्वतंत्रता है, हमें अपना प्रोफेशन चुनने की स्वतंत्रता है. तो प्रोफेशन ऐसा होना चाहिए जो हमारी कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ा सके, उसकी रेप्यूटेशन को बढ़ा सके. अब कोई सोचे कि मैं चाइल्ड ट्रैफिकिंग कर लूं, वो स्वतंत्रता आपको नहीं है क्योंकि इट इज अगेंस्ट अवर कंट्री. तो आपका हर राइट आपकी एक ड्यूटी से जुड़ा हुआ है. जब भी आप किसी राइट को डिमांड करते हैं तो आप पहले ये देखिए क्या उससे जुड़ी हुई ड्यूटीज आप पूरी कर रहे हैं. व्हेन यू आर इन कॉलेज, आप डिमांड करते हैं कि सर हमें साफ सुथरा क्लासरूम चाहिए, तो आप में से कितने बच्चे हैं जो क्लास में गंदगी नहीं करते. हमें अच्छी डेस्क टेबल्स चाहिए, तो कितने बच्चे हैं जो टेबल्स और डेस्क पे राउंडर या पेन या पेंसिल से गंदा नहीं करते हैं. जब हम कहते हैं कि मैडम कॉलेज में हेल्दी एटमोसफियर होना चाहिए, तो कितनी लड़कियां हैं जो उस लड़की के साथ खड़ी होती हैं जो किसी प्रॉब्लम में है. या वो लड़के जो ईव टीजिंग करते हैं, वो खुद एक बार अपने आप को रेक्टिफाई करें, अपने आप को क्रॉस चेक करें कि क्या हम वैसा एटमॉस्फेयर कॉलेज में क्रिएट कर पा रहे हैं. या क्योंकि ये एक स्मॉल यूनिट है, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट योर कॉलेज और अ सिटी, बिकॉज दीज आर स्मॉल यूनिट्स. हम शुरुआत यहीं से करते हैं. जब हम किसी बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, हम किसी अच्छाई की उम्मीद कर रहे हैं, तो उसमें पहला कदम हमारा होना चाहिए. तब आप साथ वालों को, दूसरों से उम्मीद कर सकते हैं कि भाई हमारे ये राइट्स हैं, आप इन्हें फुलफिल कीजिए. आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट. तीसरा हमें मिला है कि राइट अगेंस्ट, हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार मिला हुआ है. तो हमारा शोषण ना किया जा सके इसका अधिकार हमें, तो क्या हम दूसरे किसी का शोषण तो नहीं कर रहे हैं. वो कहाँ से स्टार्ट होगा? यू स्टार्ट विथ योर होम. आपके घर में मेड आती है, आपके घर वॉचमैन है, जो आपसे नीचे तबकों से आते जरूर है, बट दे आर द पार्ट ऑफ योर लाइफ. तो आप उनके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं? जो आप अपनी अथॉरिटीज से उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके साथ किसी तरह का शोषण ना कर सके, वो शोषण कैसा भी हो सकता है? हो सकता है आप किसी ऐसी कंपनी में हो जहां आपका बॉस बुली हो, आपके राइट्स को नहीं समझता हो, देर रात तक काम करवा रहा हो और फिर भी सैलरी में कोई इजाफा नहीं है, आपके प्रमोशन रोक दे रहा है. इन सब से रिलेट करके बताने का ये मतलब है, बिकॉज इट इज कमिंग इन द नेक्स्ट स्टेप ऑफ योर फ्यूचर. आप यहाँ से पढ़ के अलग अलग जगहों पे जाएंगे तो वहां पर भी आपको इन सब का चेक रखना है. आपकी ड्यूटी क्या हुई? आपके साथ ये नहीं होना चाहिए कि आपका राइट है, पर क्या आप किसी के साथ ऐसा तो नहीं कर रहे हैं? ये आपकी ड्यूटी है. ऑल ऑफ यू गेटिंग मी? थर्ड फिर है, जैसे समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया. स्वतंत्रता के अधिकार से अलग एक और अधिकार आपको दिया है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार. इट इज केप्ट इन अ डिफरेंट पॉइंट. क्यों? मान लीजिए आप किसी हिंदू धर्म में जन्मे हैं,
पर किसी के इफेक्ट में आके या किसी की बातों को सुनकर आप प्रभावित हो गए इस्लाम धर्म से, समझ रहे हैं? क्योंकि हिंदू धर्म में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे लोग अंधविश्वास से जोड़ देते हैं या जो भी, उस सारी कॉन्स्पिरेसीज या कॉन्ट्रोवर्सीज में मैं नहीं पढ़ना चाहती, पर आप इफेक्ट हो जाते हैं, आपके ऊपर उसका जो भी असर पड़ता है, आप इस्लाम धर्म अपनाना चाहते हैं, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया है कि आप किसी और धर्म में जन्म लेने के बावजूद किसी और दूसरे धर्म को अपना सकते हैं। ये हुआ धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, किसी भी कल्चर को आप फॉलो कर सकते हैं, कोई भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं विद इन द लिमिट ऑफ दिस टेरिटरी, आपको गवर्नमेंट ने, आपके कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अधिकार दिया है, ठीक है। अब अगर इनसे जुड़ के हम ड्यूटीज को देखें, तो हम जिन प्रोफेशंस को चुन रहे हैं, जिस भी चीज के पीछे जा रहे हैं, हमें सबसे पहले एक चेक रखना होगा अपने खुद के ऊपर कि क्या हम वो सारी चीजें जो हम दूसरों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो हम खुद फुलफिल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसी उसमें एक जोड़ा गया है कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ किया, तो उन्होंने ये ड्यूटी बनाई पेरेंट्स की कि 6 से 14 साल के बच्चों की जो प्राथमिक शिक्षा है वो कंपल्सरीली होनी चाहिए। इसके लिए उनको फ्री शिक्षा दिलवाई गई। अच्छा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना लचीला है कि टाइम टाइम से उसमें अमेंडमेंट होते रहे हैं, इस बारे में आप लोगों को पता होगा, तो हम उसको अल्फाबेटिकली, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज ना हो, उसमें अमेंडमेंट डालते जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट उस पे पॉइंट पे आते हैं, तो हमें है संविधानिक एक शक्ति हमें प्राप्त है जिसे हम कहते हैं कि रेमेडीज है वो हमारी, और इसे कहते हैं कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है? ये जितने अधिकार आपको फंडामेंटल राइट्स में मिले हुए हैं उनको अगर कोई इन्फ्रिंज करता है तो आप उसके वजह जा सकते हैं, वो आप उसे कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कोई बीमारी है तो उसका उपचार तो करना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम हो गई है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, तो आप किसमें जाएंगे? संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत आप कोर्ट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन, अपनी PIL लगा सकते हैं। लेकिन आप जो भी कर रहे हैं वो ये सोचिए कि आपके आसपास के लोग या आप जैसे ही और लोग, क्या ये उनकी भलाई के लिए है? इसमें आप सेल्फिशनेस नहीं दिखाएंगे, इसमें आपका सेल्फलेसनेस दिखना चाहिए, तब तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा सबने, सिविक्स में हम लोग पढ़ते हैं व्हाट आर अवर फंडामेंटल राइट्स, व्हाट आर अवर फंडामेंटल ड्यूटीज, सब ठीक है। हम जाते हैं हिस्टोरिक प्लेसेस को घूमने के लिए, आपने भी नोटिस किया होगा, मैं भी नोटिस करती हूँ, दीवारों पे सबके नाम लिखे हुए हैं, वो क्या हो रहा है? आपने पब्लिक प्रॉपर्टी को खराब कर दिया है। कोई बाहर का फॉरेनर घूमने आता है तो वो क्या सोचेगा? इंडिया में यही है, जिस चीज को वो देखने इतनी दूर से आ रहे हैं उसकी इज्जत हम खुद नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी थी जो हमने पूरी नहीं की है, ठीक है। दूसरी फंडामेंटल ड्यूटी है अपने एनवायरमेंट की रक्षा करना, क्या वो हम कर रहे हैं? अगर एक सजेशन है मेरा, या उसे एज अ सजेशन लीजिए आप, या एक कोड ऑफ कंडक्ट जाने वाले बच्चे क्या कूल करके नहीं आ सकते हैं? हो सकता है अगर आसपास रहते हैं उसको मैनेज करके किया जा सकता है, या सिर्फ कॉलेज के नहीं, हम भी अगर कोर्ट जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि आसपास अगर कोई है तो आज मेरी गाड़ी निकलते हैं, चलो कल तुम्हारी गाड़ी से चल देंगे। देखने में ये बहुत छोटी सी बात लग रही है, मगर अगर पूरी कंट्री, पूरे वर्ल्ड में इस चीज को फॉलो किया जाए तो पॉल्यूशन लगभग आधा हो जाए, पर क्या हम वो कर पा रहे हैं? ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। क्या हम देश से जुड़ी सारी भावनाओं की रिस्पेक्ट करते हैं? कितने लोग हैं जो जनगणमन सुनते ही खड़े हो जाते हैं सावधान की मुद्रा में? हम स्कूल से सुनते आ रहे हैं कि भाई जनगणमन हमारा राष्ट्रगान है, कितने लोग उसको इज्जत देते हुए खड़े हो जाते हैं कि बस 12th पास हुए अब तो कोई मतलब ही नहीं। मतलब मैं अपनी पर्सनल बात करती हूँ कि 26 जनवरी की परेड में हमको जनगणमन सुनने मिलता है तो हम पूरी फैमिली घर में टेलीविजन के सामने ही खड़े हो जाते हैं, पर मुझे नहीं लगता सारे लोग ऐसा करते हैं। चल रहा है तो चल रहा है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो मेरे कहने का मतलब है, बुक में जो चीजें लिखी हुई हैं वो हम शायद उतना लिटरली फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन उनको फॉलो करना चाहिए, और अगर नहीं भी कर रहे तो एक सहज उसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये चीजें हम अपनी आने वाली जनरेशन को पास ऑन करें, और आने वाली जनरेशन भी ना पढ़ के उस चीज को फॉलो नहीं करेगी, वो आपको देखेगी कि आप कैसा कर रहे हो और उसके बाद वो आपको फॉलो करेगी कि हाँ ऐसा करना चाहिए। लाइक घर में बच्चे, अगर माहौल ऐसा है कि माँ बाप सुबह उठ के अपने माँ बाप के पैर छूते हैं तो बच्चे अपने आप करेंगे,
लेकिन आप उनको बोले नहीं चल पैर छू, आज तो हमारे यहाँ का कल्चर है छूना चाहिए, तो वो तो पलट के बोलेगा पापा आप तो दादी के नहीं छूते हो। नॉर्मल सी बात है, बच्चे आजकल क्वेश्चन करते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी क्वेश्चन करते हैं, आप खुद भी करते होंगे अपने पेरेंट्स से क्या आपने किया है, क्योंकि आने वाली जनरेशन हमसे वही जो एक्सपेक्ट करती है और जो आपको करते देखती है वो उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, कुछ चीजें मैं आप लोगों को बहुत क्लियरली समझाना चाहती हूँ एज एन एल्डर भी और एज एन लॉयर भी। कोड ऑफ कंडक्ट, सिर्फ ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये तो एट लार्ज लेवल हम बात कर रहे हैं, आपके कॉलेज का भी अपना एक कोड ऑफ कंडक्ट होगा कि हमें क्या फॉलो करना है। रूल्स, रूल बुक मिलती है ना आप लोगों को, प्रोस्पेक्टस वगैरह मिलता हुआ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उस कोड ऑफ कंडक्ट को कितने लोग फॉलो करते हैं? आप लोग सब स्टाफ है, मैं आपसे पूछती हूँ कितने लोग फॉलो करते हैं? आप लोगों के यहाँ सेल्स बने हुए हैं अलग अलग, मुझे पता चला। चलिए कोई भी एक जन खड़े होकर मुझे बताइए कौन कौन से सेल हैं आपके कॉलेज में, सेल समझते हैं आप लोग? चलिए बताइए एनीबॉडी। एंटी रैगिंग सेल है, हाँ 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 ठीक है, है तो अच्छा ये बताइए जैसे एज अ प्रोफेसर आप लोगों ने अपने क्लास में बच्चों को इस चीज के लिए एनकरेज किया, प्लीज सिट डाउन, एनकरेज किया है कि मान लीजिए जैसे विमेन सेल है तो जाहिर सी बात है विमेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए या उसका कोई उपाय ढूंढने के लिए वो सेल बनाया होगा। तो आप मुझे बता सकते हैं कि उसमें कितने लोग अप्रोच करते हैं ईयरली या मंथली, किसी भी उसमें कितने लोग अप्रोच करते हैं? या एंटी रैगिंग सेल है, बहुत अच्छी बात है, अगर आपके कॉलेज में रैगिंग नहीं होती है तो उस सेल की जरूरत ही नहीं है। ये सारी चीजें स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए बनाई गई है कि कोई एक कॉर्नर ऐसा हो जहां जाके वो अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सके, और ऐसे लोगों को वहां बिठाया जाता है प्रॉब्लम्स इरेडिकेट करने के लिए जो पार्शियल ना हो, जो आपकी बातों को सुने समझे और उसका सॉल्यूशन भी ढूंढ के आपको दे। करियर काउंसलिंग सेल मैडम बता रही हैं कि आपके कॉलेज में है, तो जाहिर सी बात है आपके इंटरेस्ट के हिसाब से वो आपको काउंसलिंग करके बताएंगे कि ये इस करियर को ऑप्ट करो, तुम्हारे एनर्जी के हिसाब से तुम्हारे इंटरेस्ट के हिसाब से ये सही है। ये सारी चीजें आप लोगों की सुविधा के लिए जरूर क्रिएट की गई हैं, पर अगर आप एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे तो सबका कोई मतलब नहीं। ठीक है, थर्डली मैं आती हूँ वैल्यूज पे। ये वैल्यूज कोई किताबी बातें नहीं है कि मैं आपको बता दूं कि ये 10 पॉइंट्स है ये आपकी वैल्यूज होनी चाहिए। वैल्यूज है आपके संस्कार, वो संस्कार जो जन्म से आपकी अपब्रिंगिंग में धीरे धीरे करके अब्सॉर्ब होते जाते हैं। ठीक है, वो वैल्यूज जो आपको दूसरों से अलग कर रहे हैं। लोग ऐसे भी हैं जो भरी भीड़ पीट रही है किसी आदमी को तो वो एक और घुस जाते हैं, तो मैंने भी किसी को बहुत दिनों से पीटा नहीं, मैं पीट देता हूँ। ठीक है, और एक आदमी वो भी हो सकता है जो जाके बचाएगा कि भैया पहले इससे कारण तो पूछ लो, इसकी भी तो बात सुन लो। ये अपने अपने संस्कार है ना। ऐसे ही अगर हम अपनी मानसिकता बता रहे जो आसपास के समाज की है, अगर कोई लड़की है जिसके ऊपर किसी ने कोई कमेंट कर दिया तो एक तो वो होगा कि जो उसको सॉल्यूशन देने की कोशिश करेगी, बेटा चलो पुलिस में जाएंगे कंप्लेंट करेंगे, एक वो होगा चुपचाप बैठ जाओ और लोगों को पता चल जाएगा, होता है ये चीज। तो आपके संस्कार आपको क्या इस चीज की इजाजत दे रहे हैं कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप घर में बैठ जाइए ताकि आसपास के लोगों को ना पता चले, क्योंकि पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स इस चीज से डर रहे हैं कि अगर उनको पता चला तो वो एक तो तुम्हारी गलती निकालेंगे, फिर हमारे घर का नाम खराब होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन हो सकता है वो पेरेंट खड़े हो कि नहीं मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, चलो पुलिस स्टेशन। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको बताते हैं कि लाइफ में आपको आगे किन चीजों को कैसे हैंडल करना है। देन आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हमारी आसपास के सब लोगों की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आप किस तरह से अपने कंट्री को, अपने स्टेट को, अपनी सिटी को, अपनी फैमिली को आगे कर सकते हो, वो है आप, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप या तो उन चीजों को खराब कर सकते हो जो पहले से रेप्यूटेड है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कमाई करने के लिए देश से बाहर गया हुआ है, ठीक है, वहां तो पेरेंट्स नहीं है आप पे चेक रखने के लिए कि आप क्या गलत कर रहे हो क्या सही कर रहे हो, तो हो सकता है कि आप अच्छी एजुकेशन लेके मेहनत करके कुछ बहुत अच्छा कर जाओ जो फैमिली में किसी ने ना किया हो,
और यह हो सकता है कि कुछ ऐसा कर जाओ कि इंजीनियर होते हुए भी ओसामा बिन लादेन जैसा कुछ काम कर जाओ, ठीक है। तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पर्सनल चेक करना कि मैं जो कर रहा हूँ उससे मुझे, मेरी फैमिली को, मेरे स्टेट को, मेरी कंट्री को कोई नुकसान तो नहीं है। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? तो बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, वैल्यूज का रखना, आपके फंडामेंटल राइट्स, आपके फंडामेंटल ड्यूटीज तब तक बुकिश है जब तक आप अपने आप में उन चीजों को इम्बाइब नहीं कर रहे हैं, उन चीजों को अपने ऊपर लागू नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब मैं यही है, मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबको कि अपने अच्छे कदम उठाते हुए सिटी, स्टेट और कंट्री को प्राउड फील करवाइए। अपने राइट्स के प्रति जागरूक रहना जरूरी है, लेकिन अपनी ड्यूटीज, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ भी जागरूक रहना आपका काम। एनी क्वेश्चन? देखो, फंडामेंटल राइट्स इंडियन सिटीजंस को अवेलेबल है, जो हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, 7 फंडामेंटल राइट्स पहले दिए हुए थे, उसमें से राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया गया, ठीक है। राइट टू प्रॉपर्टी, केशवानंद भारती का केस आप लोगों ने पढ़ा है। केशवानंद भारती एक सेंट थे केरला के, ठीक है। उनको अपने गुरु से एक प्रॉपर्टी मिली हुई थी, और जब गवर्नमेंट ऑफ केरला जो है वहां से के बाद भी लास्ट में केशवानंद भारती हार गए, क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि गवर्नमेंट अगर कोई प्लान कर रही है तो उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है किसी की, अगर वो राजसात होती है तो हम आपको उसके लिए फाइन करने के लिए तैयार है, हम उसको रीइंबर्स कर देंगे, आपको उससे दुगने चौगने पैसे दे देंगे। तब से वो जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको हमने फंडामेंटल राइट से उठा के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में दे दिया। मतलब वहां अब आप जब भी फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में पढ़ेंगे, ठीक है। आप जो फॉरेन ट्रैवलर्स की बात कर रहे हैं, देखो बेटा, एनआरआई को राइट है यहाँ पे प्रॉपर्टी का, लेकिन उनके टैक्सेस और जो बाकी और सारे फाइन्स वगैरह होते हैं, लेवी, वो ज्यादा होते हैं, ले सकते हैं वो प्रॉपर्टी यहाँ पर। और कई राइट्स ऐसे हैं जो उनको हम नहीं दे सकते, ठीक है। लेकिन ये जरूर है कि फॉरेन का रहने वाला है और इंडिया में आके अगर उसने कुछ किया है तो उस पर इंडियन कानून लागू जरूर होगा, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन को दिया गया। वी द पीपल ऑफ इंडिया प्रीएम्बल जैसा कहता है, वो सिर्फ हमारे इंडियन लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है और लोगों के लिए, ठीक है। और कुछ किसी स्टूडेंट को अगर कोई क्वेरी है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को कोई क्वेरी है तो आप लोग अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग तो अपना माइक अनम्यूट करिए और आप लोग पूछ सकते हैं। लक्की का कोई क्वेश्चन है? लक्की, आप कुछ पूछ रहे थे? Thank you, ma'am. Thank you so much for your guidance and valuable information that was indeed motivating and extremely informative for us. We are so honored and privileged to have you amongst us. Now, I would like to invite the person who does not require an introduction, as she is well-recognized figure in our college. Deputy Director Dr. Mamta Singh, ma'am. Ma'am, please come on the stage for vote of thanks.
Thank you, Saman. Respected Rashmi Khandelwal, ma'am, respected principal, sir, dear colleagues, and my dear students, आज का ये वर्कशॉप स्पेशली आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज किया गया था कि बहुत सारी चीजें आज जो बताई गई मे भी आपको पता होगी पहले से, बट हमारी ड्यूटी बनती है जैसे आपको बताने की. घर में पेरेंट्स जो होते हैं वो हमें वो सारी चीजें बताते हैं जो ऑलमोस्ट हमें पता होती है, फिर भी वो हमें हर दिन कुछ वैल्यूज सिखाते हैं, मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं, संस्कार सिखाते हैं. वैसे ही हम टीचर वो सारी बातें जो आज मैडम ने बताई और कुछ ऐसी बातें जो हम कवर नहीं कर रहे थे जो लॉज के अंतर्गत आती हैं, आपकी वैल्यूज राइट्स और जो भी संविधान के जो नियम बने हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, कौन से नियम है, कौन से हटा दिए गए हैं, क्यों हटा दिए गए हैं, वो सारी बातें आज मैडम ने यहाँ आपको बताई. तो हम कॉलेज की तरफ से, पूरे साई कॉलेज परिवार की तरफ से रश्मि खंडेलवाल मैडम का दिल से आभार प्रकट करते हैं और हमें चाहेंगे कि आगे समय समय पर मैडम हमसे जुड़ी रहें और जो भी इस टाइप की चीजें होंगी जहां हमको सजेशन की जरूरत पड़ेगी और हमें जो कानून और नियम होते हैं देश के, जहां भी हम फील करते हैं कि हाँ मैडम हमें और अच्छे से गाइड कर सकेंगी, तो बिल्कुल हम मैडम को इन्वाइट करना चाहेंगे उसके लिए. तो पूरे साई परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभार. धन्यवाद मैम. थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर बींग विथ अस. थैंक यू.